शास्त्री पार्क की फर्नीचर मार्केट की नहीं ली किसी ने सुध, 27 दुकानें जलकर हो गई थी खाक। ईडीएमसी से 60 लाख रुपए खर्च करने की आपने की मांग। राजीव गांधी अस्पताल में लगातार बढ़ रहे मरीज, अस्पताल में 270 पॉजिटिव केस, 180 केस सीरियस, 230 बेड अभी भी हैं खाली। आनंद विहार बस अड्डा पर लॉकडाउन के डर से पलायन करने लगे हैं लोग, मजदूरों की बस अड्डे पर लगने लगी भीड़, पिछले साल पैदल ही जाना पड़ा था गांव, काम धंधे सब कुछ हो गए हैं बंद। आनंद विहार बस अड्डे पर कोरोना के बढ़ते केस पर जांच पड़ी, रोजाना लगभग 2000 किए जा रहे हैं टेस्ट, 2 शिफ्ट में किए जा रहे हैं टेस्ट, आने जाने वाले हर यात्री के किए जा रहे हैं टेस्ट। गांधीनगर में कोरोना का व्यापार पर बड़ा असर, लेबर घबराकर अपने घर की तरफ कर रही है पलायन, मार्केट में ग्राहक भी दिख रहे हैं कम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की फर्नीचर मार्केट में हाल ही में आग से नष्ट हुई 272 दुकानों के लिए आम आदमी पार्टी ने मुआवजे और आर्थिक मदद की मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ दिन पहले ही इन दुकानों में आग लग गई थी। दरअसल ये दुकानें उन लोगों की हैं जिन्हें मीना बाजार और जामा मस्जिद से हटाया गया था, उन्हें यहाँ 734 थड़े दिए गए थे। हालांकि नगर निगम ने इन थड़ों पर दुकानें बनाने के लिए 60 लाख रुपए मंजूर किए थे, लेकिन नगर निगम ने दुकानें नहीं बनाई और दुकानदारों ने खुद ही दुकानें बनवाई हैं। अब दुकानें जलने के बाद ईडीएमसी की तरफ से कोई अफसर या बीजेपी नेता दुकानदारों का हाल जानने नहीं आया। सौरभ भारद्वाज ने मांग की है कि जो 60 लाख रुपए पहले मंजूर किए गए थे, वे अब इन दुकानदारों की दुकानों को फिर से बनाने के लिए खर्च किए जाएं। ये जो टेम्प्रेरी मार्केट थी, इन लोगों ने खुद बनाई थी, मगर अलॉटमेंट एमसीडी की तरफ से था और आग लगने के बाद एमसीडी की तरफ से कोई भी मदद जो है इन्हें नहीं दी जा रही है। हम एमसीडी से मांग करेंगे कि 60 लाख रुपए का जो पैसा सैंक्शन किया गया था इन गरीब लोगों को, अब उस 60 लाख रुपए का करीब 734 थड़े बनाकर इन लोगों की मदद की जाए और जिन लोगों को की दुकानें जिनमें आग लग गई है उनके अंदर भी एमसीडी थोड़ी सी उनकी सुध ले। पूर्व दिल्ली में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अपना विकराल रूप कोरोना दिखा रहा है, जिसे देखते हुए अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पूर्व दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल और जीटीबी अस्पताल में हर दिन केस में इजाफा हो रहा है। राजीव गांधी अस्पताल में फिलहाल 270 एक्टिव केस हैं और 180 सीरियस केस हैं और 230 बेड अभी भी खाली हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों के आगे परेशानियां ही परेशानियां हैं। दिल्ली में कर्फ्यू लगे होने की वजह से काम धंधे बंद पड़े हैं, स्कूल बंद हैं। कोरोना का संक्रमण पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कई काम धंधे तो बिल्कुल बंद हो गए हैं। इसी को देखते हुए मजदूर अपने घर की तरफ पलायन करने लगे हैं। सीसीएन के रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने आनंद विहार बस अड्डे पर जाकर लोगों से बात की, उनका हाल जाना, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार हम लोगों को लॉकडाउन में ही पैदल घर जाना पड़ा था, कहीं इस बार लॉकडाउन फिर से ना लग जाए जिससे हम लोगों को परेशानी हो, इसलिए हम लोग जा रहे हैं और वैसे भी काम धंधे बंद हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिसके चलते दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया और कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर हैं उनको इस बात का डर सताने लग गया है कि दिल्ली में कहीं दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए और दोबारा से वही स्थिति पैदा ना हो जाए कि बसें और जो रेल है सब बंद ना हो जाए और हमें दोबारा से पैदल अपने गाँव या अपने घर तक ना जाना पड़ जाए। और इसी वक्त हम बस अड्डे पर, आनंद विहार बस अड्डे पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं
भारी तादाद में यहाँ भीड़ तो अक्सर लगती है। आने जाने वालों का सिलसिला जो रहता है वो जारी रहता है। यहाँ से यूपी की तरफ ज़्यादातर गाड़ियाँ जाती भी है और यूपी से दिल्ली की तरफ आती भी। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं कि लॉकडाउन का डर क्या अब प्रवासी मजदूर हैं उन्हें सताने लगा है या फिर अपने निजी काम के लिए वो जा रहे हैं। मैं बरेली रहता हूँ, तो अब क्या लॉकडाउन का डर सताने लगा है, भीड़ ज़्यादा हो रही है? जी जी नहीं, लॉकडाउन की वजह से ही लोग अपने अपने घरों को जाना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए तो फिर उनको भारी समस्या का समाधान करना पड़े, और इसी वजह से यहाँ पर इतना रश आपको दिख रहा है। और ये तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पहले इससे इतना रश नहीं होता था, क्योंकि अब त्यौहार का समय है, ईद का समय है, तो लोग नहीं जाना चाहते थे, लेकिन डर की वजह से वो लोग अपना नाइट कर्फ्यू भी जी नाइट कर्फ्यू भी दिल्ली में चल रहा है 10 से सुबह 5 बजे तक, लेकिन अब उनको ऐसा एहसास होता है कहीं ऐसा ना हो इवनिंग में भी लग जाए, तो इसलिए वो घबराए हुए। डर तो है ही सर, अब तो उसमें क्या पता क्या होना है क्या नहीं होना है, तो डर तो डर ही है, पहले से जब हुआ था अब भी कोई पता नहीं क्या हो। लॉकडाउन में पैदल जाना पड़ता था, बस यही डर है। अब क्या डर लग रहा है, किस चीज़ का डर? फिर ना जाना पड़ेगा पैदल, इसलिए जा रहे हैं। लॉकडाउन के उससे जा रहा हूँ कि लॉकडाउन फिर से दोबारा नहीं लग जाए। नाइट कर्फ्यू तो लग चुका है 10 बजे से 5 बजे तक का, वो स्थिति दोबारा ना हो जाए इसलिए पैदल जाने से बेहतर है कि अभी एक महीना पहले ही या 10 दिन पहले ही निकल ले घर पे। अब नाइट कर्फ्यू लग गया, काम ठप हो गया सर, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सब रूप पे ऐसे ठा लिए, बताइए। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए आनंद विहार बस अड्डे पर कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। आने जाने वाले हर यात्री की RT-PCR जाँच की जा रही है, 2 शिफ्टों में जांच की जा रही है, लगभग 2000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। हर प्रशासन वो जतन कर रहा है जिससे इस महामारी को रोका जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो है प्रॉपर रखी जा रही है, तो कई लोग मास्क लेके नहीं आते, उनको अपने पास से दे भी रहे हैं, लेकिन लोगों ने इस टाइम पे सब कुछ बंद कर रखा है, एक तरह का ना सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं लोग, ना डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, बस चल ही रहा है अब तो, इसीलिए बढ़ रहे हैं दोबारा से केस। दूसरा टेस्टिंग का ये है कि सुबह हम 1150-1150 के करीब सुबह कर रहे हैं, शाम को 850 के आसपास शाम को कर रहे हैं, बीच में समझ लो हम अगर 50 करते थे, 50 में एक आदमी नहीं निकल पा रहे थे, कभी तो बीच में आइए भी था, कभी एक आ गया नहीं तो कम ही थे, लेकिन अब पिछले 10-15 दिन से ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छे से बताना पड़ता है कैसे करना है कैसे नहीं, क्योंकि पब्लिक है ना बीच में घुसती है आपस में, वो टच होने की कोशिश करती है, हम दूसरे उनको बोलते हैं जागरूक करते हैं कि भाई आपस में दूरियाँ बना कर रखो, फिर भी है कि होने में टाइम लगता है उनको भी, कभी कभी ऐसा होता है कि मास्क नहीं लगा आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि मास्क लगा लीजिए, उनके पास नहीं होता तो हम तो कभी कभी हम प्रोवाइड करा देते हैं खुद से, कभी टेक्नीशियनों से या कभी डॉक्टरों से या कभी अपने पास से हम दे देते हैं उनको। बेसिकली हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, जो माइग्रेंट आ रहे हैं बाहर से दिल्ली के अंदर उनका टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो लोग पॉजिटिव आते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम उनको ट्रीट किया जाता है, जैसे किसी को सिम्टम है तो उसको अस्पताल में भेजेंगे, कोई बाहर का है जिस पर रहने की सफिशिएंट जगह नहीं है उसको कोरोना केयर सेंटर भेजा जाता है, और किसी के घर में सफिशिएंट जगह है, दिल्ली का रेजिडेंट है तो उसको हम होम आइसोलेट भी करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण टेस्टिंग सेंटर पर भी ज़्यादा लोग दिखने को मिल रहे हैं। गीता कॉलोनी के चाचा नेहरू अस्पताल का जायजा लिया गया, यहाँ पर टेस्टिंग करवाने वालों की भीड़ थी। अब जब अस्पताल की MS ममता जाजू से बात की तो उन्होंने बताया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में टेस्टिंग किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर केवल चाचा नेहरू अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर रोज़ाना 800 से 900 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और करीब इतने ही लोगों को वैक्सीन भी हर रोज़ लगाई जा रही है। वहीं टेस्टिंग करवाने आए लोगों का कहना है कि कम समय में टेस्टिंग की जा रही है और कोई भी परेशानी अस्पताल में नहीं हो रही है। हाँ, टेस्टिंग तो हम कर ही रहे हैं, टेस्टिंग तो हमारे यहाँ जो भी आ रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोगों की हो, है ना, कुछ लोग अपने आप भी चल के आ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट ज़रूर ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है, जैसे पहले कभी 2-4 सैंपल पॉजिटिव आते थे, अब कम से कम 10-15 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो 700 से 800 सैम्पलिंग तो डेली कर ही रहे हैं। सैम्पलिंग तो हम शुरू से ही, जब से कोरोना शुरू हुआ है, गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है, डिस्ट्रिक्ट में एक टारगेट भी रखे हैं कि सैम्पलिंग हर अस्पताल को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो उसी हिसाब से हम डेली सैम्पलिंग तो कर ही रहे हैं, रैपिड टेस्ट भी कर रहे हैं, RT-PCR भी कर रहे हैं। कल भी आई थी मैं, और कल भी इन्होंने, मैं जितने पेशेंट्स को लेके आई इन्होंने बहुत हेल्प की, और आज भी इन्होंने बोला है कि अगर किसी चीज़ की नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, सब ये बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के सब लोग। नहीं ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है यहाँ का, कि असुविधा तो नहीं हो रही। हाँ, कभी कभार ऐसे होते लाइन बहुत लंबी होती हैं और स्टाफ भी पूरी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन करने में जो टाइम लगता है, बाकी हमें जैसा भी कुछ लगता है तो हम यहाँ पे हमारी टीम राउंड करती रहती है हर एक घंटे में,
तो एक राउंड हम यहाँ पे करते रहते हैं लोगों के लिए। नंबर ऑफ पीपल डेली बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग यहाँ पे बढ़ी हुई है, नंबर ऑफ पीपल्स भी बढ़ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन साथ साथ यहाँ पे होना है। जो मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन था उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी और कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं चल रही है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले के असर गांधीनगर मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास काम करने वाली लेबर घबरा कर अपने घर की तरफ पलायन करने लगी है। इसके अलावा मार्केट में ग्राहक भी धीरे धीरे नदारद हो रहे हैं। काम पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। मार्केट में भीड़ तो दिखाई दे रही है लेकिन ग्राहक की कमी बहुत है। लेबर तो जा ही रही है और दूसरी बात ये हर काम से भी डिस्टर्ब हो गए हैं और वाकई में लेबर जा रही है। हर ग्राहक से आज पहले होते थे तीन तीन चार चार लड़के रखते थे, अब दो दो लड़के ही बच रहे हैं। कई लोग जा रहे हैं, कई लोग डर है दिमाग के अंदर कि पहले जो स्थिति बनी थी वही स्थिति अब ना बन जाए। देखो जी, लेबर वापसी जा रही है, हमारे भी तीन बंदे जा चुके हैं दुकान से। वो कह रहे हैं आगे मौका मिला नहीं मिला, कैसे जाएंगे, कैसे काम होगा। कह रहे हैं घर बैठ के खा लेंगे, कम से कम ये है ठीक ठाक तो जा रहे हैं। बाद में यहाँ कोरोना से गए तो और आगे घर में भी दिक्कत आ जाए। शॉपिंग वगैरह कर ले रहा आदमी, माल ले जा रहा, बिके ही ना तो फिर क्या फ़ायदा लेने से, क्योंकि आदमी को आनी चाहिए नहीं। सोच रहे जो पैसे बचे हुए वो पैसे इन्वेस्ट इसमें करें क्या फ़ायदा, वो खुद खाएगा बैठ उस पैसे को, ले लेगा बिकेगा नहीं क्या फ़ायदा उसे। असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, हम लोग तो काम धंधे के बिना जो है परेशान हो जाएंगे। काम चलना भी चाहिए और जो है सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजर ज़रूरी है और दूरी जो है हम लोग कम से कम दो गज के दूरी में बैठे परहेज करें। लेबर के क्या, उसको रोजी रोटी मिलेगी तभी तो प्रदेश में रहेंगे। अगर रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो बेचारे क्या खाएंगे, वो तो उसको घर तो जाना ही जाना, वो तो कमाने के लिए आते हैं प्रदेशों में। अब जब काम ही बंद रहेगा तो क्या करेगा, कहाँ से रोटी खाएगा वो। देश में टीकाकरण जोरों पर चल रहा है। महाटीका अभियान में काफी लोगों ने टीका लगवाया है। भारत के पास पहले से कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। जल्दी बाजार में स्पुतनिक वन आ जाएगी जो 92% कारगर है, मतलब जिसका एफिशिएंसी 92% है। किस प्रकार की वैक्सीन है, क्या इसके प्रिविलेज हैं और क्यों औरों से बेटर है, इसी को बता रहे हैं हमारे डॉक्टर्स। जरा आप भी सुनिए। दो तरह की स्ट्रेन है तो इसकी कवरेज अच्छी है और ये 91% इफेक्टिव होता है। और इसमें क्या है कि डेथ के लिए 100% है, मतलब आज तक इसमें एक भी डेथ रिपोर्टेड नहीं है इसके बाद। और दूसरी यह है कि ये रूम मतलब आसानी से फ्रिज में रखा जा सकता है, -80 डीप फ्रीजर में रखा, जो फ्रिज में टेम्परेचर होता है उसमें रखा जा सकता है। और इसमें जो गैप है फर्स्ट और सेकंड डोज में 21 डेज का है। और जो ये जो फर्स्ट और सेकेंड डोज में फ़र्क है, जो जो कैरियर प्रोटीन होते हैं जो कि वैक्सीन को बॉडी में लेके जाते हैं, उसमें सेकेंड डोज का दूसरा है, फर्स्ट डोज का दूसरा है, सो दैट कि इसका इफेक्ट ज़्यादा लंबा चलता है। जो ऑर्डिनरी वैक्सीन हैं जैसे अभी चल रही हैं सारी दुनिया में, और ये अधिकतर कंट्रीज़ में ये ली जा चुकी है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरफ काफ़ी चल रहा है। रूसी वैक्सीन आने के बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन एक स्टडी ये रिवील करती है कि 91.6% इसकी सक्सेस रेट है आफ्टर फर्स्ट डोज एंड 95-96% आफ्टर सेकेंड डोज। और दोनों डोज के बीच का जो टाइम पीरियड का डिफरेंस है वो 21 डेज का है। आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रहती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके EDMC पर लगाया था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस सिक्योरिटी कंपनी को भ्रष्टाचार के आरोप नगर निगम ने खुद ही ब्लैकलिस्ट किया, जिस पर CCN की रिपोर्टर वंदना कश्यप कैंत ने मेयर निर्मल जैन से बात की, तो मेयर ने सारे आरोपों को गलत बताया है। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। ये ब्लैकलिस्टेड और वो ये तो हमें नहीं मालूम। जब यहाँ पर जो इस तरीके का जो टेंडर आता है, टेंडर जो भी आता है, डिपार्टमेंट उसको उसकी सारी स्क्रूटनी करके डिपार्टमेंट ने लगातार, मैंने बता रहा हूँ ना कि दो बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने इसको वापस कर दिया और इसको लिखा कि री टेंडर, लेकिन डिपार्टमेंट ने दोबारा दोनों बार वापस भेज करके उसको तीसरी बार डायरेक्टली उसको स्टैंडिंग कमेटी में डायरेक्ट लगाया है। और स्टैंडिंग कमेटी से ये 24/3 को लगा, उसके बाद में ये हाउस से पास हुआ है। कोई एंटीसिपेटरी अप्रूवल नहीं दी गई है ना किसी किस्म से, ये टोटली डिपार्टमेंट ने अपना सारा स्क्रूटनी करके
और डिपार्टमेंट ने पूरा इसकी लीगल देख करके सारा इसका फाइनेंशियली लीगली करने के बाद इसमें किया है। बीजेपी द्वारा पूरे देश में 11 अप्रैल फुले जी की जयंती से भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, 14 अप्रैल तक चलाए जा रहे टीकाकरण पंजीकरण केंद्र का आयोजन पंचायती धर्मशाला रघुबरपुरा में निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल की अगुवाई में किया गया, जिसमें 102 लोगों ने आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्हें 17 से 19 अप्रैल तक टीका लगने का समय भी दिया गया है। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि टीका केंद्रों पर भीड़ को देखते हुए यहां रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि लोगों को इंतजार ना करना पड़े, जाती वैक्सीन लग जाए। कल भी रजिस्ट्रेशन केंद्र मेन रोड पर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक लगाया जाएगा। सभी अपने परिवार दोस्तों को साथ लाएं। केंद्र संचालन में महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कंचन शर्मा, उपाध्यक्ष भावना वार्ष्णेय, रीमा जैन, युवा मोर्चा महामंत्री गौरव सेठ, नितिन जैन ने विशेष अपना सहयोग दिया, तब ये काम हो पाया। हम लोग चाहते हैं कि जो 45 वर्ष से ऊपर है उनका टीकाकरण समय से हो जाए ताकि महीने में दूसरा टीका भी उनको लग सके। टीकाकरण समय से होगा तो जो कोविड का फैल रहा है आज की डेट में, कोविड की फैलने की गति बहुत तेज हो गई है, लोगों कोविड से बचेंगे। मेरी सभी से अपील है कि समय से आकर अपना टीका लगवाएं, टीकाकरण करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवा के चाचा नेहरू हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल जहां भी आपको डेट मिलती है वहां पे जाकर अपना टीका लगवाएं। बैसाखी का त्यौहार हर जगह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए गुरुद्वारों में एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। गुरुद्वारों में इस पावन दिन पर पाठ किया गया है। कोरोना को देखते हुए मास्क लगाकर ही गुरुद्वारे में प्रवेश मिला है। हर साल की तरह इस बार रौनक थोड़ी सी कम रही। साखी का त्यौहार जो हम अपनी परंपरा के अनुसार मना रहे हैं, उसके अंदर कोविड वगैरह का हर चीज का पूरा एक ध्यान रख के प्रिकॉशन पूरी मेजर करके, क्योंकि बीमारी का हमने पहले बीमारी का देखना, उसके बाद हर चीज़ को सेलिब्रेट हमने करना है। गुरुद्वारे की संगत आ रही है जा रही है, पर फिक्स नहीं है, मतलब कि नहीं है, शाम को 2-2.5 आदमी होते हैं, लेकिन आई चलाई लगे रहती है, कोई सेटिंग प्रॉपर सेटिंग एट ए टाइम नहीं होती हमारी। ये कोविड का देखो जी, इनके उत्ते किसी का जोर नहीं है, पर फिर भी संगतों की भावना है, वो गुरु घर आ करके नतमस्तक होंदियां ने। कोशिश यह है कि संगत आउंदियां जांदियां रहन, मत्था टेक करके बहुत ही संगत वापस परत जाती है, दरबार के अंदर कोई इकट्ठ नहीं हो रहा, और जिन्नी भी संगत आ रही है उन्होंने वास्ते सैनेटाइजर और मास्क का खास तौर पर प्रबंध किया गया है। जो भी कोविड दियाँ जो भी वो गाइडलाइनस ने उन्होंने पूर्ण तौर के उत्ते फॉलो किया जा रहा है। पूर्व दिल्ली के कड़कड़डूमा में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ही हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसमें लगभग 50 से 60 लोगों को बातों में फंसाया गया और उनसे 20,000 रुपये लेकर बेवकूफ बनाया गया। हर एक इंसान से अलग अलग रुपए लिए गए। क्लाइंट ने अलग अलग रुपए सभी लोगों से लिए। जिस दिन लोगों को फ्लाइट से जाना था उस दिन ऑफिस खाली कर कर ये लोग चले गए और फोन नंबर भी बंद कर लिए। लोग ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए और उनका इंतजार करते रहे। बाद में पता पड़ा ये सब फ्रॉड है। लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत दी है। मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सर, हमारे गांव में जैसे कि इनका पर्ची गया तो हम लोग कॉल किए कि बोले कि मेरे बाहर का काम कराना है, तो हमने बात किया तो इनसे ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमारे पासपोर्ट मांग लिए, ले लिए, उसके बाद से वीज़ा भेजा, वीज़ा भेजने के बाद से पास पैसा लिए, अकाउंट में पैसा ले लिए। रिजवान कोई है प्रचार करता था, जैसे पर्ची मिला था हम लोग को उस पर कॉल किया, बोला कि जी हाँ भेज सकते हैं, उस पर हम लोग कॉल किया, फिर बोला पासपोर्ट दे दो, पासपोर्ट दिया। कितने पैसे लिए था? 22,000। यहाँ देखने को मिला है कि उसका मोबाइल बंद है, ऑफिस भी बंद है जी। हम लोग आए हैं कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आके परेशान है बहुत। अभी स्थिति ये है कि 4 दिन से उनका फ़ोन बंद है, ऑफिस 4 दिन से बंद है। बोले थे कि 12 को फ्लाइट होगा, पहले बोले थे 4 तारीख को फ्लाइट होगा, उसके बाद में हमने 1 तारीख को टिकट किया था यहाँ आने के लिए दिल्ली, बोले थे 3 को कोरोना जाँच होगा, उसके बाद हम लोग टिकट मांगे तो बोले रोहित सर जिसका नाम है, उन्होंने बोले कि ठीक है विवेक, कोरोना जांच नेगेटिव होगा तो टिकट तुरंत मिलेगा। हम लोग बोले टिकट दीजिए तो हम लोग आएगा, तो बोला नहीं विवेक, कोरोना जांच नेगेटिव होगा तो अभी टिकट आएगा, क्योंकि टिकट का बहुत महंगा है। तो 50 आदमी बता रहा था, 25-25 आदमी का ग्रुप करके भेजेंगे, एक बार 25 आदमी का, एक आदमी 25, एक बार 25 आदमी का। हम भी 22,000 रुपये दिए हैं और पासपोर्ट और वो वीज़ा दिया है, और आज बोला था किस काम के लिए अप्लाई करा था? रिगर का, प्लांट लाइन का, रिगर का में हम दिए थे अपना डॉक्यूमेंट,
ऑफर वीज़ा दिया था और उसके बाद पैसा हम लोग से डलवाया, बोला 12 तारीख को मैं आप लोग को फ्लाइट कराएंगे, 11 तारीख को आपको ये कोरोना जांच होगा। अभी इधर आने के बाद न पता है नहीं उसका फ़ोन लग रहा है। ये रही मेरी टिकट, मैं वापसी से चला हूँ 4 तारीख के डेट में, यहाँ 5 को पहुँचा हूँ और इनको कॉल किया मैंने, संपर्क किया तो इन्होंने बोला क्या कि नहीं भाई कोई डेट कर गया स्टाफ के घर में, इसीलिए ऑफिस बंद है आपका और आप 12 तारीख को जाओगे। फिर मेरे को, मैं बोला सर 12 तारीख को हो भी जाएगी फ्लाइट या नहीं भी होगी, तो उन्होंने बोला नहीं 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 आपका फ्लाइट हो जाएगी, बेफिक्र रहिए। मेरे को शक हुआ, मैं एम्बेसी पहुंच गया, एम्बेसी गया तो उन्होंने एम्बेसी में मेरे को वीज़ा वेरिफिकेशन के लिए पूछा किस लिए आए हो, मैं बोला सर मेरे को वीज़ा वेरिफिकेशन कराना है, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ के लिए है, मैं बोला कि मेरे मोबाइल में है और नाइजीरिया के लिए रिक्वायरमेंट है, मैं उसके लिए अप्लाई किया हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है लाओ मैं चेक करके देता हूँ। वहाँ से चेक किए, उसके बाद बोले कि वो फ्रॉड वीज़ा है, वहाँ पे नाइजीरियन एम्बेसी में बैठा था वो मैनेजर, उसने मेरे को बुलाया, उसके बाद से मेरे मेल से उसने अपने मेल पे सेंड किया, उसके बोला क्या आई एम नाउ सेंड यू हाई कमान मेल, यू कैन गो नाउ FIR, उसने ऐसा बोला कि, तो मैं वहाँ से चल दिया। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।